अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि घर में जो दही बल्लों के बड़े होते हैं वो बड़े किस तरह बनते हैं। तो आपको चाहिए सबसे पहले तो ये माश की दाल है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको कपल और आवर्स के लिए सोक कर दें तो ये बहुत अच्छी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। तो ये 250 ग्राम्स ऑफ माश की दाल है, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया था। इसके अंदर हमने जो चीज़ें डलेंगी वो है 1 टेबल स्पून ऑफ क्रश्ड रेड चिलीज, क्योंकि ये ज़रा तीखा अच्छा लगता है, फीका तो अच्छा नहीं लगता। तो बाकी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं बेशक ना डालिए, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसमें ये क्रश्ड रेड चिलीज चलेंगी। 1 टीस्पून चाहिए हमें, सॉरी 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर चाहिए, तकरीबन 2 इंच यानी कि 2 इंचज़ का हमें फ्रेश जिंजर चाहिए, जिसे हम ग्राइंड करेंगे अभी दाल के साथ। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ये हम एंड में डालेंगे जब इसको हम फ्राई करने लगते हैं, तब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये धुली हुई दाश की जो माश की दाल है, हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्राइंड करते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जस्ट ऐड वेरी वेरी लिटिल वाटर, अगर आपने ज़्यादा डाला तो लिटरली आपके जो भल्ले वो नहीं बनेंगे। पीछे जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये मैंने आपको दिखाई हुई है एज अ सर्विंग सजेशन के लिए। चाट मसाला आपको चाहिए होता है दही बल्ले बनाने के लिए, इसमें हमने नहीं ऐड करना, ये एंड में मैं आपको दिखा दूंगी जब बल्ले हमारे बन जाएंगे तो इसको हमने सर्व किसा करना है। तो हमने इमली की चटनी जो मैंने दूसरी अपनी वीडियो बनाई है उसको चेक कर लीजिएगा, ये वो है। हमें दही यानी योगर्ट की ज़रूरत होगी, अनियंस वेरी फाइनली चॉप्ड, फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया फाइनली चॉप्ड, कपल ग्रीन चिलीज और चाट मसाला, ये हम सर्व करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने इसको ग्राइंड करना है। कोई भी अपना ब्लेंडर ले लीजिएगा, अगर आपके पास चॉपर है उसमें डाल लें, और दाल को हमने इसमें डालकर जो मैंने रात से इसको भिगोया हुआ था इसको सब डाल दीजिएगा बीच में और इसे ग्राइंड कर लें। इसको आपने पानी सारा निकाल लेना है ताकि जो है ये बिल्कुल पतली ना हो जाए ग्राइंड होते हुए। इट नीड्स टू बी ए थिक पेस्ट, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पतली हो गई तो आपका जो है बिल्कुल भी बड़े नहीं बनेंगे दही बल्लों के जो होते हैं। तो ये आप इसको ग्राइंड कर लें, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, इसमें वैसे भी पानी होता है क्योंकि इसको ओवरनाइट सोक किया होता है, अगर आपको लगे मुश्किल है तो 1 या 2 टेबल स्पून डालकर चमचा बीच में हिलाइए और फिर इसको ग्राइंड करने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स जस्ट ग्राइंड इट नाउ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दाल में जो ग्राइंड कर रही हूँ भी सही तरीके से ग्राइंड नहीं हुई है, हमने इसको भी और ग्राइंड करना है। इसमें अब पहले अपने मसाले डाल लें, यानी कि ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये रेड चिली, सॉल्ट और ये आपका जिंजर के जो 2 पीसेज हैं। यकीन जाने कि इसको ग्राइंड करना एक इजी जॉब नहीं है, लेकिन हैव पेशेंस और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। नीचे यूं यूं आप हिलाते भी रहिएगा साथ साथ किसी चमचे के साथ, ताकि नीचे जो स्टिकी हो जाता है ब्लेड्स के पास में वो रिमूव हो जाए। एंड इफ़ यू हैव टू ऐड वाटर जस्ट ऐड कपल ऑफ टेबल स्पून एंड प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट मेक इट टू लिक्विडी। तो दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है, इसको एक बोल में रख लें। आप देख लें कि इसको एक इस तरह का थिक पेस्ट होना चाहिए, अगर ये पतला हुआ तो आपके जो दही बड़े हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। यहाँ पर आपने इसके अंदर में जो सोडा है बेकिंग सोडा वो ऐड कर लेना है, ये जस्ट बिफोर यू स्टार्ट फ्राइंग इट यू नीड टू ऐड इट। इसको ज़रा अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसे, मैंने ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि बैटर जो है इसका यूं इतना गाढ़ा होना चाहिए और पतला बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर टाइम लेगा ग्राइंड होने के लिए, लेकिन प्लीज़ पेशेंस मत खोइएगा कि आप पानी ज़्यादा डाल दें तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इससे ही होता है कि बाहर से क्रिस्पी अंदर से बेतहाशा सॉफ्ट बनेंगे। मिर्चें वगैरह हमने डाली हैं वो स्पाइसी भी होंगे। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको बनाने के लिए साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ को बैटर जो है ये चिपकता है। तो जितना फिर आपको साइज चाहिए आप यूं करके इसे बीच में गरम घी में हम इसको डालते जाएंगे। इसकी शेप इतनी परफेक्ट होने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली बना तो हम दही भल्ले रहे होते हैं। तो आप हल्का सा फिर दोबारा तेल लगाइए हाथ पर और इसको यूं रखकर बीच में ड्रॉप कर दें, फिर से इसी तरह कीजिए।
एंड देन जस्ट ड्रॉप इट इन द ऑयल लाइक दैट. तो इस तरह हम बाकी के भी बना लेते हैं. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो कुछ है बनाकर बाहर रख दी है. साइजेस आप अपनी पसंद के बना सकते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े दरमियाने साइज़ के हैं. यहाँ पर आप देख ले मैं कुछ बड़े बना रही हूँ, सॉरी मेरे हाथ में सब हो गए हैं. इसका तरीका कुछ यूँ होता है कि पहले आपने तेल को गर्म कर लेना अच्छी तरह, उसके बाद बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग द बड़ा जिंदे आपने हीट को मीडियम पे कर लेना है. और जब एक साइड अच्छी तरह गोल्डन आप देख रहे हैं गोल्डन हो गई हुई है, तो फिर हम इसको साइड को चेंज करते हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी बनते जाते हैं. सो रफली यू नीड टू गिव इट अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन वन साइड. और जब ऊपर की जो जगह कच्ची कच्ची है आपने इसको यू साइड को चेंज कर देना है और बहुत ही जल्द वो साइड भी हो जाती है. तो ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं. मैं आपको एक यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल फ्लफी हैं. ये आप देख लें तो यूँ ये बनेंगे. इसी तरह बाकी के भी बना लेते हैं. साइड्स आपने बाद में चेंज करनी, जब एक साइड गोल्डन हो जाए दूसरी साइड गोल्डन कर लें एंड गिव इट अ कपल मिनट्स जब तक ये अच्छी तरह गोल्डन हो जाए, और इन्हें निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको सर्विंग की किस तरह करना है. तो आपने जितने भी दही बल्ले सर्व करने मैं आपको सर्विंग सजेशन बता रही हूँ. सो इट्स नॉट हार्ड. आपने क्या करना है, जो हमने फ्राई किए हुए अभी क्रिस्पी एंड हार्ड है, यू नीड टू डिप इट इन द वाटर. चार कर लेते हैं, इसको पानी में आप छोड़ दें. गिव इट अ कपल ऑफ मिनट्स, दो से तीन मिनट दे दें और जो इसका क्रिस्पीनेस है थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है. उससे ये कि फिर आप इसको दबा करके पानी निकाल लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसा सर्व करना. सो गिव इट अबाउट 5 मिनट्स रफली, क्योंकि अभी भी ये गर्म है, ज़रा ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम इसको आगे बनाएंगे. तो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो है उसके अंदर में ऑयल आपको नज़र आ ही रहा है कि सारा ऑयल ऑलमोस्ट बाहर निकल आता है. यूँ हाथ में रख के इसको हल्का सा प्रेस कीजिए ताकि एक्सेसिव वाटर जो बाहर निकल आए. अगर आप चाहें तो आप इन्हें बना करके बोल में भी रख कर सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि अगर आपने किसी को सर्व करना है प्लेट में तो ये काफ़ी रहता है. ज़्यादा प्रेस मत कीजिए, आप देख रहे हैं कि एक्सेसिव पानी और घी दोनों बाहर निकल आते हैं. इसके बाद आपने इस पर योगर्ट डालना है. अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ऐड वाटर या दूध डालकर इसको पतला कर लें. दही डालें, उसके बाद थोड़ा सा प्याज चॉप्ड वाला, हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें और जो चटनी मैंने बनाई हुई इमली की आपने देखनी होगी मेरी दूसरी वीडियो, उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा. यूँ सर्व कीजिए. थोड़ा सा ऊपर आप डाल लें पिंचेस ऑफ चाट मसाला. अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप दही में भी थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं. तो जनाब ये रहा आपका दही बल्ले, मेरे स्टाइल में है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये मेरे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी काफ़ी देर से, आई एम सॉरी आपको मैं ये वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए. आई बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.